नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी शानदार अपडेट के अंदर। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हरियाणा का महा विधानसभा पोल। दोस्तों आप सभी को जानने के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, आखिरकार इस बार हरियाणा के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर आंकड़े क्या बताते हैं और यहाँ पर आने वाले जनता सर्वे के आंकड़े क्या बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस बार जनता सर्वे हरियाणा के अंदर किसकी सरकार देखना पसंद करती है। दोस्तों यहाँ पर इस बार बीजेपी में चल रहे सत्ताधारी बीजेपी को यहाँ पर क्या एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ मौका मिलेगा या फिर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएंगे। दोस्तों कई सारे सवाल उठते हैं बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर, हर एक पार्टी के ऊपर। पर दोस्तों उन सवालों को नजरअंदाज करते हुए जनता को एक पार्टी को तो चुनना ही पड़ता है। पर दोस्तों आखिरकार इस बार किसकी कौन सी पार्टी इस बार सरकार के खेमे में आएगी। दोस्तों आखिरकार यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हरियाणा के अंदर कौन सरकार बनाएगा। दोस्तों यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें ही हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर 90 विधानसभा सीटों में से अधिकतर और उच्चतम सीटें हासिल करने वाली पार्टी को यहाँ पर संपूर्ण बहुमत के साथ जगह मिल सकती है। पर दोस्तों आखिरकार यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर 90 सीटों के अंदर बीजेपी यहाँ पर बाजी मारेगी या फिर दोस्तों कांग्रेस बार बाजी खेल जाएगी या दोस्तों यहाँ पर जेजेपी का लंबर आना निश्चित है। दोस्तों आपको क्या मानना है आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों आप हरियाणा के अभी तक इस पोल को पूरा नहीं देखा तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और जानकारी पता चल सके। दोस्तों हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरे जनता सर्वे के बारे में बताने वाले कि आखिरकार हरियाणा की जनता इस बार 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को अधिकतर बहुमत के साथ चुन सकते हैं। दोस्तों हम एक अनुमान लगा रहे हैं जिसके हिसाब से आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों ये अनुमान एक कमेंट के हिसाब से लगाया जा रहा है जिसके जरिए हमने एक ओपिनियन पोल जारी किया था हमने चैनल के ऊपर, तो उसी के हिसाब से हम बताने वाले हैं कि आखिरकार यहाँ पर कितने प्रतिशत जनता इस बार हरियाणा की किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों पूरा अपडेट जानने के लिए आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों और भी अपडेट चाहते तो अभी कभी चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा छोटा सा, उसे दबा के चैनल को नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं, बल्कि आपको मुफ्त में आने वाले हर एक राज्य के ओपिनियन पोल और हर एक राज्य की जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर लें। आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है उसके बारे में जरूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर जानते पूरी अपडेट क्या है। दोस्तों हम बात करेंगे हरियाणा की 90 सीटों में से यहाँ पर अंबाला की। दोस्तों यहाँ पर अंबाला की चार विधानसभा सीटें और चार विधानसभा सीटों से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर चार में से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर दो विधानसभा सीटें हासिल करेगी शुरुआत में, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी एक सीट अपने खाते में जमा करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेडी पार्टी खाते में एक सीट है जबकि यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम इसी के साथ करनाल की पांच विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और पांच विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पांच में से बीजेपी दोस्तों यहाँ पर चार विधानसभा सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी एक विधानसभा सीट का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को यहाँ पर जीरो सीट का सामना करना पड़ सकता है जबकि अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र की दोस्तों यहाँ पर चार विधानसभा सीटें हैं और चार विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र में से कांग्रेस पार्टी तीन विधानसभा सीटें अपने खाते में निकालेगी जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में जीरो सीट है तो अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 13 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 13 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 7 विधानसभा सीटें सर्वाधिक लीड ले चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं 5 सीटों से आगे जाने की तैयारी में है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को सिर्फ एक सीट का मौका मिलेगा जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। साथ ही दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैथल के दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और दोस्तों आप भी देख सकते हैं 4 में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी एक सीट अपने खाते में जमा करेगा और यहाँ पर जेजेपी को भी एक सीट मिलेगी जबकि इन्हें खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जिंद की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस बार एक सीट का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में भी 2 विधानसभा सीटों का बढ़िया बहुमत है जबकि अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट का ही बहुमत जता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम जेजेपी की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 4 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल करेगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा करेगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को जीरो सीट मिलेगी तो अन्य खाते में जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 26 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 26 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीटें हैं, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 9 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं और अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट का बहुमत है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर दादरी के दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटों में हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ अब इस बार जीरो सीट का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को भी यहाँ पर जीरो का सामना करना पड़ सकता है जबकि यहाँ पर अन्य खाते में भी एक सीट का बहुमत है। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर ले गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटों के बारे में तो 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट है, यहाँ पर जेजेपी को जीरो सीट मिलेगी जबकि अन्य खाते में जीरो सीट मिल सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर पलवल की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी जबकि एक सीट हासिल कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में जीरो सीट है और अन्य खाते में जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा
विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 35 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 17 विधानसभा सीटों की लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 13 विधानसभा सीटों की लीड ले चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में सिर्फ 4 सीटें हैं और इन्हें खाते में एक ही सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर पंचकुला की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बताते हैं यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ एक ही विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट है, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और जेजेपी खाते में एक एक विधानसभा सीट का संपूर्ण बहुमत है और इन्हें खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 3 विधानसभा सीटों से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है और यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिलेगी तो इन्हें खाते में 0 सीट है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 44 विधानसभा सीटों से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी खाते में 21 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें ही हैं। साथ ही दोस्तों हम इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भवानी की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आप सबको बता दें कि दोनों पार्टियां बराबर 2-2 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी और अन्य खाते में 0-0 सीट का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है और यहाँ पर बीजेपी जेजेपी खाते में 0 सीट है और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी जबकि यहाँ पर 2 सीटें हासिल कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटें हासिल करके अपना लीड बढ़ा सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट का मौका मिल सकता है और यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से हम राउंड के बारे में बात कर चुके हैं और राउंड में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 26 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी 24 विधानसभा सीटें हासिल कर चुका है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें हैं और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेवात के दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट है। रेवाड़ी की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है, पर दोस्तों जेजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 48 में से बीजेपी खाते में दोस्तों यहाँ पर 32 सीटें हैं जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 28 सीटें हैं और जब जेजेपी खाते में 6 सीटें जबकि अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट हासिल कर रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें बड़ा बहुमत हासिल कर रही है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में जबकि 0 सीट है तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हासिल कर रही है जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट है तो अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल कर रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जेजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट है जबकि यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 83 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। साथ दोस्तों यहाँ पर 83 में से बीजेपी यहाँ पर 38 सीटों की अच्छी खासी लीड ले चुकी है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों से पिछड़ती हुई 34 सीटों पर है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 7 सीटें हैं तो अन्य खाते में 4 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिसार की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी 3 सीटें हासिल कर सकती है जबकि आप कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं, जेजेपी खाते में 0 सीट तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी 41 सीटें हासिल कर रही है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटों से पिछड़ती हुई 38 सीटों में मौजूद है जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 7 सीटों तो अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है? दोस्तों आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जल्दी बताइए और आप कौन सी पार्टी सपोर्ट करते हैं ये भी जल्दी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी हम इसी चैनल के ऊपर आपको देते रहेंगे, तो दोस्तों जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।